अस्सलाम वालेकुम, हाय माय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिलेटेड ईद उल अधा मुबारक टू एवरीवन। आज मैं आपको मिलाऊंगी हमारे घर के नए मेंबर से और साथ ही में हम बनाएंगे हेल्थी एंड टेस्टी खिचड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेजीज को इस तरह से फाइनली चॉप कर लेंगे। हाफ कप ऑफ कैरेट्स, हाफ कप ऑफ पोटैटोज, हाफ कप ऑफ टमाटोज एंड हाफ कप ऑफ कैप्सिकम, इस तरह से हमें फाइनली चॉप करना है। एंड दिस इज डबल बीन्स, दिस इज अराउंड क्वार्टर कप। इस तरह की बीन्स आती है एंड व्हेन यू ओपन दिस यू गेट दी सीड्स। एंड दिस इज वन कप ऑफ स्पिनैच यानी कि पालक एंड दिस इज क्वार्टर कप ऑफ फेनिग्रिक लीव्स यानी कि मेथी। एंड दिस इज वन कप ऑफ फाइनली चॉप्ड ऑनियंस एंड दिस इज क्वार्टर किलो ऑफ मिंस्ड मीट। वैसे तो खिचड़े में मटन पीसेस या बीफ पीसेस ऐड किए जाते हैं बट आई एम यूजिंग खीमा हियर। एंड दिस इज क्वार्टर कप ऑफ मसूर दाल, क्वार्टर कप ऑफ मूंग दाल, क्वार्टर कप ऑफ चना दाल, क्वार्टर कप ऑफ उड़द दाल एंड वन कप ऑफ राइस। मिक्स ऑल दिस टुगेदर और इस पे ऐड करें हॉट वाटर और इसे आधे घंटे के लिए सोक कर लें। सो यहां मैं ऐड कर रही हूं 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी इनटू माय प्रेशर कुकर और इसमें जाएगा चॉप्ड ऑनियंस और ऑनियंस को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो यही है हमारे घर के नए मेंबर्स माय पेट बजीज समर एंड सहर। मुइज इंसिस्टेड टू नेम देम एज एडम एंड ईव। फाइनली माय सिस्टर केम होम एंड नेम देम एज समर एंड सहर। आई रियली लव द नेम्स। सहर मीन्स सुबह एंड समर मीन्स शाम। द ग्रीन वन इज समर, इट्स अ ही एंड द पर्पल वन इज सहर एंड इट्स अ शी। एंड दीज आर द DIY टॉयज आई हैव मेड फॉर देम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑनियंस अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, फेनिग्रिक लीव्स यानी कि मेथी। अच्छे से फ्राई कर लें। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी चॉप्ड पोटैटोज एंड चॉप्ड कैरेट्स। गिव इट अ मिक्स। ऐड इन द चॉप्ड टमाटोज एंड द मिंस मीट और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप ऑफ हॉट वाटर
ताकि कीमा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड नाउ आई एम एडिंग दिस डबल बीन्स। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, यू कैन स्किप दिस इफ यू डोंट हैव। हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर एंड 1 टी स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। एंड दिस इज चिकन क्यूब, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लें और अब इसमें हम ऐड करेंगे द वॉश्ड एंड ड्रेन्ड दाल्स एंड राइस। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड वाटर एड चॉप्ड कैप्सिकम एंड चॉप्ड स्पिनैच यानी कि पालक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर योर टेस्ट एंड आई एम गोइंग टू ऐड मोर वाटर। ओवरऑल मैंने इसमें 1.5 लीटर वाटर ऐड किया है क्योंकि हम एक मैशी टेक्सचर चाहते हैं। नाउ कवर द लिड एंड टेक 2 to 3 विजल्स। While I was taking this video, they were not so tamed, but now Summer is very well tamed and Seher is still trying to bond. Summer is very friendly when compared to Seher. She is little bit reserved. जब से ये दोनों आए हैं, the first thing I do in the morning is to come and see them. They have been my new entertainment for a while. Seher is little frightened, but Summer is a brave boy. तो ऑलमोस्ट 3 विजल्स आ चुके हैं और प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। लेट्स ओपन दिस एंड चेक। तो आप देख सकते हो कि हमारे वेजीज दाल्स एंड राइस अच्छे से पक चुके हैं बट द कंसिस्टेंसी इज वेरी ड्राई। So I'm going to add more water, around 2 cups of water और इसे मैं फिर से 5 से 10 मिनट के लिए पका लूंगी। Add salt if needed. तो चलिए खिचड़ा तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। दिस इज रियली अ हेल्थी रेसिपी।
और इस तरह से हम स्पून को घी में डिप कर लेंगे और इस तरह से हम इसका एक वेल शेप बना लेंगे। एंड नाउ पोर लिटिल घी ऑन टॉप। और अब हम इसे गार्निश करेंगे विद चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। और ये तैयार है हमारा खिचड़ा। सो डू ट्राई आउट दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गेट वैक्सीनेटेड एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। Because happiness is cooking.